हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करें जल्दी से सब लोग। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन का यूनिट नंबर 8, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी कुछ क्लासेस कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दें, कमेंट बॉक्स में जा कर के रिप्लाई कर दें। ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियर है, विजिबल है? यस, सभी को क्लियर है। ओके ओके, तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कंप्यूटर हार्डवेयर। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो भी आप कंप्यूटर को यूज करते हैं उसमें कमांड देते हैं, उस चीज़ों को परफॉर्म करता है। हार्डवेयर को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोड्यूसर, प्रोसीजर्स, एल्गोरिदम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर बाय ऑर्डरिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट अ कंप्यूटर, मैनिपुलेट द डेटा एंड एग्जीक्यूट पार्टिकुलर फंक्शन और टास्क। मतलब कि कंप्यूटर में कोई कमांड देने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कंप्यूटर से, वो काम को परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग कैसा करना चाहते हैं, क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो सब कैलकुलेशन के लिए, एल्गोरिदम के लिए, लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है, तभी कंप्यूटर हार्डवेयर परफॉर्म कर पाएगा। ओके, फिर व्हेन सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन अ हार्डवेयर दैट कैन नॉट बी इजिली मोडिफाइड सच एज BIOS ROM इन अ PC। मतलब कि PC जो आपका कंप्यूटर देखते हैं ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना बिल्कुल अधूरा है, डब्बा है और कुछ नहीं है। तो उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, रोम, ये सब इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे टाइली हो गया या अदर कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सब हम लोग उसमें इंस्टॉल करते हैं, तभी वो ऑपरेट करता है, फंक्शनिंग का काम हो पाता है, कंप्यूटर से हम लोग काम ले पाते हैं। तो ये चीज़ होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में जैसे कि अलग अलग कई टाइप से सॉफ्टवेयर होता है, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कुछ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शन फॉर कंप्यूटर यूजेज एंड हेल्प्स टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। यानी वो सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल बेसिक है, उसके बिना कंप्यूटर कुछ भी ओपन ही नहीं हो सकता है, वैसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप लोग अगर मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड सुने होंगे, एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो विंडो सुने हैं, है ना, लिनक्स सुने हैं, तो ये सब क्या है? या फिर आप यूनिक्स सुने हैं, विंडो सुने हैं, मैक सुने होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सब।
तो जब तक ये इंस्टॉल नहीं करेंगे सिस्टम में, तब तक सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि टाइली सॉफ्टवेयर है, तो टाइली क्या हो जाएगा, टाइली आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा, है ना, फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा, जो हम लोग काम करते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि जैसे मैंने बताया कि जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये सब अगर नहीं है तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है, कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर्स में क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द सोर्स डेटा रिटेन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। द एग्जांपल्स आर ALGOL कंपाइलर्स, बेसिक कंपाइलर, C++ कंपाइलर्स एंड फॉर्ट्रन कंपाइलर्स। मतलब कंपाइलर्स क्या करता है कि आपको लैंग्वेजेस को फीड करता है, कमांड देते हैं जो भी हम लोग, तो ये लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है। हम लोग ABCD कुछ भी लिखते हैं, लेकिन ये 0 और 1 के फॉर्मेट में सिस्टम को बताता है कि ये यूजर लिखना चाह रहा है, इसको लिखो। तो वो सॉफ्टवेयर को हम लोग कंपाइलर बोलेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किस किसको बोलेंगे, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर रिसोर्सेस ऑफ एन कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन बी 16 बिट, 32 बिट्स और 64 बिट। ये बिट के अकॉर्डिंग काम करता है, जिसका जितना ज़्यादा बिट रहेगा वो ज़्यादा काम करेगा। 16 बिट का मतलब कि आपका जैसे जो डेटा जाएगा 01 01 01 करके जाएगा, 32 रहेगा और इसकी स्पीड काम करेगा, 64 बिट रहेगा तो और फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें द मेन कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलो। इसको पांचों छह जो नाम दिया उसको याद करना होगा आपको, और ये भी याद करना है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे यूनिक्स, BSD, GNU, लिनक्स, और इसका नाम भी दिया कि कौन कंपनी बनाती है, कौन है, गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक ओएस, एम्बेडेड एंड रियल टाइम ओएस, एक्सपेरिमेंटल। जैसे ओ एक सेकेंड, ये हाँ, एक्सपेरिमेंटल, ओबेरन, ब्लू बॉटल, एमोएबा, प्लान 9, बेल्स लैब। ये सब क्या है, ये याद रखेंगे, जो ब्लैक कलर में हाईलाइट किया गया उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा यूटिलिटी या फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें बस यही याद रखना है इतना। विंडोज वाज, और दोनों का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, दोनों मतलब कि यूटिलिटी वाला भी पढ़ाएंगे यहाँ पर है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा कि जो बेसिक फंक्शन के लिए ज़रूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है। फिर विंडोज वाज डेवलप्ड इन 1985। विंडो कब डेवलप किया गया, 1985 में, एज एन एड ऑन टू MS-DOS इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं ना, तो गेम वगैरह खेलते हैं तो एक सेकेंड अजान हो रही है, तो गेम वगैरह खेलते हैं तो जितना ज़्यादा ग्राफिक रहता है उतना अच्छा गेमिंग वगैरह हो जाता है, अच्छा फंक्शनिंग करता है। द मोस्ट रिसेंट क्लाइंट वर्जन ऑफ विंडोज आफ्टर विस्टा इज विंडोज 8। लिनक्स वॉज डेवलप्ड बाई लिनस लिनस टोरवाल्ड्स। इट इज फ्रीली अवेलेबल मल्टी टास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंस द वेरी बिगिनिंग लिनक्स वॉज प्लेस्ड अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस। मतलब ये बोल रहा है कि लिनक्स जो है ओपन सॉफ्टवेयर है, जो कि कोई भी यूज कर सकता है इजीली, कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो बेसिकली अब तक क्या याद रखना है कि ये जो नाम दिया हुआ है, नाम याद रखना है कि ये सब आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो कि आपको बेहतर फंक्शनिंग के लिए काम करता है, बेहतर आप सिस्टम यूज कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए यूज किया जाता है, या फिर आप कोई एप्लीकेशन वगैरह जैसे टैली हो गया, DCA हो गया, DTP हो गया, सब सीखते हैं ना, तो सब भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस वगैरह तो यूटिलिटी है, उसको आप यूज करते हैं। इट यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज मॉनिटर कॉन्फ़िगर एंड ऑप्टिमाइज दी सेटिंग एंड मेंटेन दी कंप्यूटर स्क्रीन्स दैट कस्टमाइज द मीडिया प्लेयर्स लुक्स एंड DVD बर्नर्स आर एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सम ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीक्वेंटली यूज इज क्लासीफाइड एज फॉलो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सुने होंगे आप लोग कि जब कंप्यूटर में सिस्टम में अगर वायरस घुस जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस लगाया जाता है कि वायरस ना घुसे। डेस्कटॉप विजेट, इंटरेक्टिव वर्चुअल टूल्स दैट प्रोवाइड सिंगल पर्पस व्हीकल शोविंग द लेटेस्ट न्यूज, टाइम, कैलेंडर, डिक्शनरी, मैप, कैलेंडर एंड सो ऑन, ये सब के लिए। जो डेस्कटॉप विजेट जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि साइड में सब कुछ क्लॉक वगैरह बताता है, टाइम, मैप वगैरह सब कुछ बताता है, कैलेंडर, वो भी सॉफ्टवेयर है। तो वो अगर नहीं रहेगा तो क्या सिस्टम नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये सब रहने से क्या एंटीवायरस नहीं रहेगा तो सिस्टम नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन ये सब रहने से आपका सिस्टम स्मूथली काम करता है, आप अच्छे से चीज़ों को यूज कर पाते हैं। फिर बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होता है? बैकअप सॉफ्टवेयर, द बैकअप सॉफ्टवेयर आर बैकअप फाइल्स, क्लीनिंग ऑफ हार्ड डिस्क एंड श्रेडिंग फाइल्स। एग्जाम्पल्स आर विंडोज बैकअप एंड रिस्टोर सेंटर एंड नेट बैकअप मेड बाई सिमेंटिक। मतलब कि बैकअप, जैसे कोई आप फॉर्मेट वगैरह मार रहे हैं सिस्टम को, तो डेटा स्टोर रहे, डेटा में डेटा आपका सिक्योर है, कुछ भी सिचुएशन हो तो डेटा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं हम लोग कि डेटा मेरा लॉस्ट ना हो किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि हम लोग बहुत सारा इम्पोर्टेंट डेटा को कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, तो अगर डेटा ही चला जाएगा, उसका बैकअप नहीं बन पाएगा, तो कोई काम नहीं आएगा, कोई यूज नहीं कर पाएंगे बढ़िया से सिस्टम को, तो इसीलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है कि बैकअप सॉफ्टवेयर भी होता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ, इट हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल रिलेटेड टास्क। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड हो गया, प्रोसेसर्स हो गया, सॉरी वर्ड प्रोसेसर हो गया, मतलब MS ऑफिस की बात कर रहा हूँ, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, DBMS हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, ERP, मोजिला फायरफॉक्स, कोलाबरेटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आल्सो रेफर टू एज ग्रुपवेयर। एग्जांपल्स इंक्लूड फेसबुक एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक क्या है, सब एप्लीकेशन है ना, फेसबुक भी आपका यूटिलिटी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर उसको नहीं बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर द यूजर यूजुअली परफॉर्म यूजिंग ओपन सॉफ्टवेयर विच इज पब्लिकली एक्सेसिबल, एनीवन कैन क्रिएट एड ऑन प्रोडक्ट फॉर इट बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज डिजाइंड। फ्रीवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी कॉपीड एंड यूज विदाउट पेमेंट टू द ऑथर। मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल ओपन है, इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी उसको इंस्टॉल कर सकता है, जैसे कि आप MS ऑफिस किसी से भी कहीं से भी ले लेते हैं ना, या फिर फेसबुक इंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, तो बिल्कुल ये फ्रीली है। लेकिन फेसबुक क्या एप्लीकेशन है? तो ये सब था सॉफ्टवेयर के बारे में।
पहला क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और तीसरा था बैकअप सॉफ्टवेयर। ठीक है, बैकअप सॉफ्टवेयर के बाद था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि जो बिल्कुल एप्लीकेशन है ये मतलब कहीं से भी कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, खरीद मतलब कि इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं फ्रीली। अब लैंग्वेजेस के बारे में देख लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि मशीन जो समझता है हम लोग का हिंदी इंग्लिश भाषा नहीं समझता है, उसके लिए एक प्रॉपर कोडिंग करके देना पड़ता है तब वो समझता है अपना भाषा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है? दीज आर द रूल्स, कन्वेंशन एंड स्पेसिफिक कमांड दैट आर यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। मोस्ट प्रोग्राम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड। मतलब कि हम लोग कोई भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, सिस्टम में, तो हम लोग अपने लैंग्वेजेज में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर क्या रीड करता है? बाइनरी सिस्टम, या अपना जो मशीन लैंग्वेज है, अपना मशीन लैंग्वेज। तो अपना मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हो? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड का मतलब क्या होता है? 0 और 1, 0 और 1, वैसे समझता है सिस्टम। सो दैट द इंस्ट्रक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। अगर हम लोग जो भी इनपुट कर रहे हैं वो अगर बाइनरी कोड में नहीं करके इनपुट होगा सिस्टम में, तब तक सिस्टम नहीं समझ पाएगा। तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए ना, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो पहला है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ दी ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई दी कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? वही 0 और 1, यानी बाइनरी कोड। जब भी बात करेंगे मशीन लैंग्वेज का मतलब, तो 0 और 1 समझिएगा, उसी को बाइनरी कोड भी बोलते हैं। ईच स्टेटमेंट इन अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ बीट्स। ईच बीट मे बी सेट टू 0 और 1। देख रहे हैं, 0 और 1 में होता है। दिस साइज ऑफ बीट्स रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मतलब कि मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? कि वो लैंग्वेज जो कि मशीन समझता है, और हम लोग इंसान जो है, इंसान उसको अदर लैंग्वेजेज में करके देता है, लेकिन वो इनपुट मशीन लैंग्वेजेज में करता है और करके उसको समझता है और उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। फिर असेंबली लैंग्वेज। एन असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। इट कंटेन्स द सेम इंस्ट्रक्शन एज मशीन लैंग्वेज, बट द इंस्ट्रक्शन एंड वेरिएबल्स हैव नेम्स इंस्टीड ऑफ बीइंग जस्ट नंबर्स। द एडवांटेज ऑफ असेंबलिंग लैंग्वेज इज दैट इट्स इंस्ट्रक्शन आर रीडेबल। फॉर एग्जाम्पल, असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट लाइक MOV एंड ADD आर मोर रिकॉग्नाइजेबल दैन सिक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। मतलब कि ये भी एक लैंग्वेज ही है, मशीन लैंग्वेज ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। मशीन लैंग्वेज में आपका 0 और 1 समझता है, और 0 और 1 का जो कोडिंग जिस चीज़ के लिए किया गया वही समझेगा। अगर कुछ एडिशनल डालेंगे तो उसके लिए क्या काम करेगा? जैसे मान लिए कि ब्रैकेट डाले, ब्रैकेट या फिर ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, तो ये सब को स्पेशल करेक्टर को, स्पेशल चीज़ को कौन समझेगा? असेंबलिंग लैंग्वेज समझेगा। तो ये आपका सेकेंड जनरेशन का इसीलिए कहा जाता है ताकि ये और एडवांस हो गया, एडवांस लैंग्वेज हो गया। फिर हाई लेवल लैंग्वेज और एडवांस। हाई लेवल लैंग्वेज HLL, हाई लेवल लैंग्वेज आर व्हाट मोस्ट प्रोग्रामर्स यूज। लैंग्वेजेस सच एज C++, आप लोग सुने होंगे, सी भी होता है, C++ होता है, एंड जावा आर ऑल HLL। ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल C++, जावा और सी भी याद रखिएगा। ये क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। एग्जाम में कैसे पूछता है? पूरा आपको ये सब नहीं पूछेगा, स्पेसिफिक पूछता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछता है। ये पूछ देगा कि C++ क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबलिंग है क्या? तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। तो ये सब याद रखना होगा इसमें। तो
और हाई लेवल लैंग्वेज हो गया जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है। कुछ अदर आप जैसे कि कोई कॉलम, कोई ब्रैकेट या कोई अदर टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं हाई लेवल, तो उसके लिए ये सब काम आता है हाई लेवल लैंग्वेज। फिर यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में ही एवरी सीपीयू हैज़ इट्स ओन यूनिक मशीन लैंग्वेज, प्रोग्राम्स मस्ट बी री रिटेन और रिकम्पाइल्ड टू रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। हर एक सीपीयू में मशीन लैंग्वेज या असेंबलिंग लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेज ज़रूर रहता है, तभी आप उसको यूज कर पाते हैं। अगर ये ना रहे तो आप कहाँ से यूज कर पाइए, कुछ भी लिखिएगा सिस्टम नहीं समझ पाएगा। ठीक है, फिर है ये आपका प्रोग्राम। अभी हम लोग क्या देखे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या देख रहे हैं, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर टास्क। जैसे प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ के लिए प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं कि कोई किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये सब तो जनरल चीज़ है, ये मशीन लैंग्वेज समझ जाता है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक करना है, जैसे कोई वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट में किधर क्या होना चाहिए, किधर आइकन होना चाहिए, हेडर फुटर विजेट्स क्या होना चाहिए, लोगोज कैसे क्रिएट होना चाहिए, तो ये सब क्या हो गया, स्पेशल प्रोग्राम हो गया ना। तो वही प्रोग्राम क्या होता है कि एक कोई काम को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेसिफिक टास्क को प्रोग्रामिंग किया जाता है। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का काम होता है इसमें। फॉर परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर टास्क, कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को, जनरल टास्क को नहीं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दीज इंस्ट्रक्शन आर जस्ट लाइक इंग्लिश वर्ड, द कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एज 0 और 1। देखिए 1 और 0 लिखा है। अ प्रोग्राम कैन बी रिटेन इन असेंबलिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, एज वेल एज इन एच एल एल लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। आपको जितना देखना यह है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, कितने हाई लेवल का काम कर रहे हैं। जितने ज़्यादा हाई लेवल का काम करेंगे, जितना एडवांस लेवल का काम करेंगे, एच एल एल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होगा। अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो मशीन लैंग्वेज, अगर एवरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस भी है थोड़ा सा नॉर्मल भी, तो उसको असेंबलिंग लैंग्वेज में असेंबल कर लेंगे लैंग्वेज को, कोडिंग को। तो ये सब चीज़ें। फिर लैंग्वेज लैंग्वेजेज प्रोसेसर्स, थोड़ा थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को कि क्या है, क्योंकि सब टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल चीज़ है, तो इसको याद यहीं रखना है, इसका नाम याद रखना है कि ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, जैसे मशीन लैंग्वेजेज, असेंबलिंग लैंग्वेजेज, हाई लेवल लैंग्वेजेज। जब ज़्यादा कमांड देना होगा, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होगा, तो एच एल एल यूज करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि जितना हाई लेवल करेंगे उसके लिए हाईली क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, हाईली नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, तो कॉस्ट आपका जो है ना, कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि जैसा काम हो वैसे ही हम लोग कोडिंग करें, कोडिंग करने वाले पर्सन हो। फिर है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में है असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। तीनों वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे। ऑडियो आ रहा जी क्लियर? ऑडियो और वीडियो अभी क्लियर है? हाँ ठीक, क्लियर है, तो ठीक है आगे देखते हैं। देखिए असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये भी क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है लैंग्वेजेज को, है ना। जो हम लोग लैंग्वेजेज इनपुट करते हैं सिस्टम में, इन क्या बोलते हैं, कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड में या माउस का यूज करके हम लोग कोई भी सिस्टम में कमांड देते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर भी, इंटरप्रेटर भी, कंपाइलर भी। लेकिन कैसे, चारों तीनों का फंक्शन क्या क्या है, अलग अलग है।
इसमें देखिए, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल रट जाना है इस लाइन को। क्या है कि ये असेंबलर क्या करता है, इस असेंबलर समझिए कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का समझिए। तो इसका काम क्या है, असेंबलर करता क्या है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर था ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन टाइप का लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरप्रेट करता है। दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेजेस। मतलब असेंबलर क्या था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या कन्वर्ट कर रहा, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा। इन बाय कन्वर्टिंग इन लाइन बाय लाइन, ध्यान रखेंगे लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को, अभी आगे आएगा उसमें दिखेगा एक साथ सब कर रहा। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन, इफ देयर इज एनी एरर इन एनी लाइन देन इट रिपोर्ट्स इट एट द सेम टाइम एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट रिज्यूम अंटिल द एरर इज रेक्टिफाइड। यानी मान लीजिए कि 10 लाइन का आपको इनपुट कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेज को कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेजेज में, 4 लाइन सही गया, 5वां लाइन अगर या 6 लाइन सही चला गया, 7वां लाइन में कोई एरर है, कोडिंग में कोई एरर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ कोडिंग का लैंग्वेजेज होता है कि NBSKDY ऐसे कुछ करके, तो अगर इधर इधर अल्फाबेटिकल हो गया तो एरर बता देगा। तो जैसे ही 7वां लाइन एरर बताया वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अभी जब तक उसको रेक्टिफाई नहीं करिएगा तब तक 8वां 9वां 10वां नहीं लेगा। समझ पा रहे हैं ना, ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन जाता है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ चला जाएगा, एक साथ कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है 10 लाइन का है मान लीजिए, तो एक एक लाइन करके सीरियल नंबर से करेगा। और अगर 6 लाइन चला गया है, 7वां लाइन एरर है, तो जब तक 7वां लाइन रेक्टिफाई नहीं कीजिएगा वो नहीं जाएगा, तब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा, 8वां और 9वां 10वां नहीं जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। फिर एक कंपाइलर, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स दी HLL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी वही है, सेम इंटरप्रेटर की तरह ही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ही ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो सवाल ये कि सर इंटरप्रेटर भी तो वही काम करता था, लेकिन इंटरप्रेटर 1 बाय 1 एक एक लाइन करता था। इसमें आइए देखते हैं क्या बोलता है। इट ऑल्सो कन्वर्ट दी HLL प्रोग्राम इंटू मशीन लैंग्वेज। इट कन्वर्ट्स द इंटायर HLL प्रोग्राम इन वन गो एंड रिपोर्ट ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विथ द लाइन नंबर्स आफ्टर ऑल दैट कंप्यूटर्स। समझ पा रहे हैं, एक ही बार में आप इनपुट किए 10 लाइन को पूरा एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया, और जो एरर था जैसे मान लीजिए 7वें लाइन में एरर था, तो 7वां को छोड़ के 8वां 9वां 10वां सबको कन्वर्ट कर दिया। कौन सा लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। और जो एरर हुआ उसको सामने रिफ्लेक्ट कर दिया कि इसको सुधार दीजिए, तब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं जी तीनों में अंतर, फिर से बता देते हैं थोड़ा सा। असेंबलर क्या करता है, असेंबलिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर भी का वही काम है, मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इंटरप्रेटर 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन लेता है, कोई भी एरर बताएगा तो जब तक वो एरर सुधारेंगे नहीं तब तक पिछला कमांड आगे नहीं जाएगा। इसमें क्या है कंपाइलर में कि पूरा एक साथ साइमल्टेनियस एक ही बार में पूरा कमांड चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एरर हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो हम लिए हैं कि 7वां पॉइंट एरर है, तो 7वां रिफ्लेक्ट कर दे, बाकी 8वां 9वां को कन्वर्ट कर देगा, इसको बोलते हैं कंपाइलर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताएं जी ये तीनों चीज़ें क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं।
टाइप करें, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो टाइप करें कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया। हाँ जी, नूतन को समझ में आ गया है। और एक बार ही आप लोग रिप्लाई करें, 4,000 पाँच पाँच बार रिप्लाई आता है। ठीक है जी, और लोग जो लोग को डाउट है कोई पूछेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हाउ डज अ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है ना, आगे प्रोसेसिंग करता है तभी तो इंफॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर में पहले क्या होता है, पहले इनपुट होता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट देता है। तो उसमें हम लोग पहला सीखना है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 और 1, है ना। तो इसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। एक सेकेंड देख लेते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर और ओक्टल, फिर हेक्सा डेसिमल, 4 टाइप का नंबर सिस्टम होता है, नंबरिंग सिस्टम होता है, उसको हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में, और उसको कन्वर्ट करने भी सीखेंगे। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क, बाइनरी वाला अगले क्लास पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ लेते हैं अभी। कंप्यूटर नेटवर्क देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है कि ये चीज़ों को जोड़ता है। जैसे आप नेट यूज करते हैं, तो नेट क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है, ऐड करता है, पूरी दुनिया से ऐड करता है। कैसे, जो भी डेटा क्लाउड पर रहता है उसी क्लाउड से ऑन डिमांड, जैसे आप डिमांड करते हैं डेटा का, वहीं आपको अवेलेबल हो जाता है। आपको क्या लगता है कि गूगल पर आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो कैसे आ जाता है, गूगल में ऑलरेडी वैसा आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी उसमें सोल्व करके रखा हुआ रहता है, वर्ल्ड वाइल्ड वो रखा रहता है। एट द सेम टाइम जो भी चाहे उसको यूज कर सकता है। तो किसके थ्रू यूज करता है, नेटवर्क के थ्रू। अभी हम लोग जुड़े हुए हैं आप लोग से, हम लोग सब लोग जुड़े हुए किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। ऑफिस में देखे होंगे कभी, या क्या पता नहीं देखे होंगे, एक सिस्टम, दूसरे सिस्टम, तीसरे सिस्टम, सब सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी चाहे तो दूसरे सिस्टम को देख सकता है, उसमें से फाइल दूसरे सिस्टम में से अपने सिस्टम में ले सकता है। तो कैसे हो पॉसिबल है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू राउटर लगा रहता है ना। आपका जो मोबाइल नेटवर्क, कभी कभी आप लोग फेस किए होंगे कि मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा, वीपीएन वगैरह या वीपीएन इस टाइप का कुछ करके प्रॉब्लम वगैरह बताता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टाइप का। तो जो आपका रहता है वो पैन रहता है, पर्सनलाइज या पर्सनल एरिया नेटवर्क रहता है। तो उसी टाइप का हम लोग ये देखने वाले हैं अभी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है। तो नेटवर्क्स का मतलब वही कि जोड़ना आपस में चीज़ों को, है ना, एक को दूसरे से जोड़ना, कनेक्ट करना, उसी को कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। देख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, तो सभी सिस्टम को, कंप्यूटर को एक साथ जोड़ करके रखना, उसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अब नेटवर्क कितने टाइप का होता है, लैन इम्पॉर्टेंट है, वैन भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद मैन इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सभी बता देते हैं, लेकिन जो जो टिक किए हैं इसको आप लोग कर लीजिएगा। लैन, वैन, एक मैन भी होता है, वहाँ यहाँ पे मैन हो गया। फिर एक और कहाँ दिया है, नहीं दिया शायद। तो ये आपका नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, लैन यूज केबल टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विद इन द सेम लोकेशन और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है दूरी। तो ये होता है कि एक ऑफिस में या एक घर में, एक रूम से दूसरे रूम में जो कंप्यूटर है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है।
अगर इसमें ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे आपके मोहल्ले से और मेरे मोहल्ले से कनेक्ट करना होगा तो नहीं हो पाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रैक्ट कर जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक एरिया में, जैसे वाईफाई सुने है ना, वाईफाई टाइप का कुछ 100 मीटर तक या समथिंग कुछ कनेक्ट करने पर रहेगा, आप अपने जगह हैं हम अपने जगह हैं, तो काम करेगा ब्लूटूथ या वाईफाई? नहीं काम करेगा। तो लाइन क्या होता है कि कुछ ऑफिसेज में या एक बिल्डिंग में पार्टिकुलर वायर के थ्रू या वायरलेस भी आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं नेटवर्क, सभी सिस्टम को, उसको हम लोग लैन बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल रहा है, वाइड यानी बहुत ज़्यादा दूर तक। तो वैन यूज टेलीफोन लाइन्स और अदर टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज टू लिंक कंप्यूटर इज वाइडली सेपरेटेड लोकेशन। इसका रेंज बढ़ जाता है, एक कंट्री हो सकता है, कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जुड़ सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आपका मोबाइल है ना, कौन सा काम करता है? वैन काम करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। आप अगर बिहार में हैं झारखंड से बात कर सकते हैं, यूपी में हैं महाराष्ट्र में हैं बात कर सकते हैं, आपका नेटवर्क पकड़ेगा, इंटरकनेक्टेड है ना, पोर्ट लगा रहता है उसमें और इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क, टेलीफोन जो हम लोग यूज करते हैं उसको। फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि वायरलेस बिना वायर का यूज किए हुए, इसमें है लिंक, WLAN, लिंक टू और मोर डिवाइसेज यूजिंग सम वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड प्रोवाइड्स कनेक्शन थ्रू एन एक्सेस पॉइंट टू दी वाइडर इंटरनेट। मतलब कि लाइन का ही पार्ट है ये भी, डब्ल्यू लाइन भी, लेकिन लाइन में हो सकता है कि वायर भी यूज करें, या हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस स्पेसिफिक यूज करें लिमिटेड एरिया में हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा एरिया में होता है। लेकिन वैन से कम, वैन से कम यानी वाइड एरिया नेटवर्क से कम काम करेगा और लाइन से ज़्यादा काम करेगा। तो इसमें क्या होता है कि वायरलेस होता है, बिना वायर का काम करेगा, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। जैसे अभी हम लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, तो वायर तो नहीं लगा हुआ है, तार तो नहीं जुड़ा है, बिना तार का काम कर रहा वायरलेस। लेकिन हम लोग का तो वाइड एरिया नेटवर्क में आएगा, लेकिन आपस में एक स्पेसिफिक ऑफिस में, बिल्डिंग में या मोहल्ले में अगर कुछ काम हो रहा है, एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ रहा है, उसको WLAN बोलेंगे। वर्चुअल, सॉरी, पैन, पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन एमंग कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट IT डिवाइसेस, डिफरेंट IT डिवाइसेस विच इज क्लोज टू वन पर्सन। मतलब कि एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क, अपने, जैसे कि हम लोग पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं ना, आप अपना वाईफाई जो पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, जो जिसको पासवर्ड देते हैं वही यूज कर पाता है, मतलब बिल्कुल प्राइवेट है आपका, उसको बोलते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो ठीक है, आगे वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, एकदम सब बैटरी मेरा बार बार लो हो जाता है, तो आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, और बाइनरी वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, अभी सबसे लास्ट में कैलकुलेशन वाला है वो, तो वो सब हम लोग लास्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा, ताकि 12 बजे आप लोगों को डायरेक्टली नोटिफिकेशन चला जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन चला जाएगा, हमको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को।